सो हे गाइस, फाइनल वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेलने जा रहे हैं दोबारा से यार GTA San Andreas। तो यार GTA के पिछले एपिसोड में हमने किया था यार वोजे का मिशन जो था यार कार्गो शिप वाला, और गाइस वो रिलेटेड था यार पिछले कार्गो शिप के मिशन से जिसमें हमने यार बग फिक्स किया था। तो भाई जो पिछला मतलब उससे पिछले की बात कर रहा हूँ, बट ये पिछला मिशन था वोजे का। तो यार इस वाले मिशन पे हमने मतलब वोजे के मतलब कुछ फ्रेंड्स को हमने जाके सेव किया था। मतलब यार जो वोजे कुछ फ्रेंड्स है उनको मतलब ना चैंग गैंग ने मतलब यार किडनैप करके रखा था, और मतलब फ्रेंड्स को तो हम भाई हम वहाँ पे गए हेलीकॉप्टर से गए थे यार मिनी गन से। भाई सारे बंदों को हमने डाउन किया, और डाउन करने के बाद हम सब जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबको हमने मतलब पिक किया, और वहाँ से भाई फाइनली सेफली मतलब स्केप करवाते। तो यार उसके बाद हमारा मिशन वहाँ पे जाता है ख़त्म। तो यार भाई हम जाते हैं दोबारा वोजे के मिशन, बट यार वोजे का कोई मिशन नहीं होता। और वैसे यार मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी, बट मैं बहुत टाइम के बाद अपलोड करा। देखते हैं अगला कौन सा मिशन है, वैसे देखते हैं अगला आई थिंक मेरे ख्याल से वो एलियन फेस वाला मिशन है। तो यार एलियन फेस वाले मिशन में देखते क्या होता है और हम क्या करने वाले वहाँ पे, और देखते चलते हैं गाइस कि क्या होगा। और इस वाले मिशन पता है एलियन फेस, क्योंकि पिछले वाले हम एलियन फेस के मिशन करते थे यार, तो जीसो क्लब नाम का एक मिशन आया था हमारा बहुत ही खतरनाक, जिसमें यार वोजे भी था, सीजर भी था, और मतलब हम भी थे। और हमें यार मतलब एक पर्पल कोट वाले बंदे का मिशन करना था जो हमें मतलब फ़ोन पे बता रहा था, और हमें उसके सारे मिशन करने थे। तो देखते हैं उस पर्पल कोट वाले बंदे का भाई क्या मिशन। और ये मैं पिछले वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, बट सॉरी रिकॉर्ड करते करते मतलब रिकॉर्डिंग करने में स्टार्ट करना ही भूल गया, तो भाई वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं, मैं गेम प्ले कर चुका था। बट कोई नहीं यार, देखते भाई इस वाले मिशन पर क्या होता है। बट हमें इतना बता देते भाई क्योंकि रिकॉर्डिंग जो भूल गया था भाई करना, मतलब रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं हुई। कोई था ऐसी गलती हो जाती है गाइस, कोई बात नहीं, मिशन कम्प्लीट हो गया लेकिन गलती हो जाती है। बट यार मैं बताता हूँ भाई, उस वाले मिशन पे गया था भाई, उस पर्पल कोट वाले मिशन पे। तो हम गए उस मिशन पे गए थे उस पर्पल कोट वाले बंदे का जीरो क्लब में। तो भाई उस बंदे के पास में एक ऐसा बंदा आ रहा था जो भाई कोई डील कर रहा था भाई आपस में मतलब 20% कुछ परसेंट मिलकर। तो भाई उस बंदे को यार मतलब जीरो जो भाई पर्पल कोट वाला बंदा है उसके भाई डील अच्छी नहीं लगी, तो भाई उस चीज़ के लिए मना कर देता है और वहाँ से वो मतलब निकल जाता है। तो भाई जो जीरो क्लब का जो क्या बोलते हैं वो पर्पल कोट वाला बंदा होता है जो जीरो क्लब में ऑलवेज रहता है, टी बोन का मिशन था। तो भाई वो कहता है कि भाई सीजो को जाके यार मतलब उसकी मतलब जो बंदा आता है यहाँ पर टी बोन भाई जो जिसके बंदे का मैं बता रहा हूँ वो भाई टी बोन होता है। तो भाई टी बोन के मिशन पर हम उसके पीछे पीछे जाते हैं एक मतलब फ्लाईओवर के नीचे उसकी वैन पर रहते हैं। वहाँ से भाई कुछ स्नैचर्स मतलब उसके पैकेजेस को मतलब हमारे पैकेजेस को यार लेके भाग रहे, तो हमने भाई जितने भी भाई स्नैचर्स होते हैं उन सबको हम डाउन करते, उनसे पैकेजेस लेते और लेकर आया हम जीजो क्लब का जो भी पर्पल कोट वाला बंदा है, वो नाम नहीं पता बट बहुत ही ज़्यादा मतलब भैया, लेकिन कोई नहीं वो वहीं पर क्लब में बैठा रहता पूरा दिन। तो यहाँ हम उसको जाके ला के दे देते और मिशन हमारा ख़त्म हो जाता भाई। ये वाला मिशन था यार, मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, देखते यार कि आज के मिशन में क्या होता है। चलेगा शुरू करते हैं आज का न्यू मिशन, देखते हैं मिशन में क्या होता है। T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill and just lay back and let the red mist fall, brother. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, huh? Hey, partner. T-Bone, look. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls, heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the docks. Get to the docks in Easter Basin. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Mike's cell phone battery's running low. Shit. He says they stopped, then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rápido! Mike and their aircraft taking off and landing. Hey, don't worry, Mike, we're nearly there.
there's the gate. And some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it work? Simple. The closer we get, the stronger the signal. Shit! There they are! Hey, man, come on, hurry up. It's about time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Güero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Güero, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, you're right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. How long you been working for Jizzy? I haven't seen you before. Just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? Man, just answer the fucking question. Look, man, chief. I've been to Los Santos with my family, all right? Give me his wallet. What? Hey, get off! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, with the dub in there. Better still be there when I check it. Shut the fuck up. Okay, Carl Johnson. You did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. सो गाइज यार, इस वाले एपिसोड में हम जाते हैं जीजो क्लब, और मतलब जीजो क्लब तो पहुंच जाते हैं यार। वहां से पहुंचने के बाद भाई टीबोन का हमने, जैसे मैंने पिछला मिशन बताया था यार, वो काफ़ी ज़्यादा एपिक था। मतलब उसमें हमने टीबोन से मतलब बातचीत करके हमने
मतलब पैकेज की स्नैचिंग हुई थी तो उसको हमने काफी से सेव की थी। तो यार इस वाले मिशन पे हम टी बोन के साथ जाते हैं, एक बैटरी मिशन के लिए होता है। और मतलब बैटरी मिशन कह लो यार कि मतलब पता नहीं यार टी बोन की जो फोन की बैटरी का काफी कम रहती है। तो भाई इस वाले मिशन पे हम जाते हैं किसी बंदे को सेव करने के लिए। और मतलब हम उस सिग्नल से तो उसको ढूंढ रहे थे, कभी हम मतलब बिल्डिंग मतलब स्क्रैप यार्ड जाते हैं, स्क्रैप मतलब जहाँ पे हमारा गैरेज है वहाँ पे यार मतलब बहुत ही तगड़ा मतलब कह लो कि कंस्ट्रक्शन काम होता था, पहले वहाँ जाते हैं फिर डॉक पे जाते हैं। तो फिर गाइस फाइनली जो सिग्नल आता है यार मतलब वो एयरपोर्ट का आता है। तो फिर गाइस हम एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं तो गाइस हमारा जो सिग्नल होता है जिसको हम गाइस जिस बंदे को हम ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, तो गाइस जैसे हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं वहाँ पे यार सिग्नल काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कह लो कि तेज होने लगता है। मतलब जैसे जैसे हम उस बंदे की लोकेशन तक पहुँचते अपने मतलब क्या होता है टी वन के फ़ोन से जो है सिग्नल मतलब बढ़ा, बट यार जो टी वन होता है उसकी फ़ोन की बैटरी होती है काफ़ी कम। तो यार हमारे बहुत ही कम टाइम होता है उस बंदे को ढूंढने के लिए। तो यार फाइनली हम मतलब बहुत तरीके बात है उस बंदे को फाइनली फाइंड कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है भाई उसको मतलब यार कुछ बंदे मतलब कह लो कि किडनैप करके ले जा रहे थे। तो हमने वहाँ पर दो बाइकर्स थे उनको पहले डाउन किया और गाइस वैन रुकवाए, फिर वैन रुकवाने के बाद वहाँ पर भाई उसके मतलब वैन में कह लो गैंग थी शायद उससे वो भाई उस बंदे को किडनैप करते। भाई नाम नहीं पता यार, पता नहीं होता क्या नाम था, बट सिमियन का शायद टीवन का नाम है हो सकता है, बट यार वो बोल रहा था भाई सिमोन करके। तो यार हमने सारे फाइकर्स को डाउन किया और भाई उसके बाद तो यार भाई जब उस बंदे को सीजे को देखा तो भाई उसके हेड पर यार गन रख दिया। तो भाई यार सीजे भाई बंदा डर गया, बट यार कोई बात नहीं यार वैसा होता है। तो यार फाइनली हमने मतलब उस बंदे को फाइंड करने की बात है जो वैन थी उसको हमने डिस्ट्रॉय किया और वहाँ से यार हमने सेफली बाहर निकल गया। और यार हमारे पीछे कॉप्स पड़ गई क्योंकि यार इतना तगड़ा मिशन था, इतनी तगड़ी मतलब भाई एयरपोर्ट पर घुस के हमने इतना खतरनाक काम किया। तो यार उसके लिए भाई पुलिस को हमें लूज़ करना था, तो लूज़ करने के लिए हम सोच लगा पेंट जॉब में। आपको पता है जी टी सेंटर जब हम पेंट जॉब जाते हैं तो भाई पुलिस यार मतलब पीछा छोड़ देती है। तो भाई पेंट जॉब करवाने के बाद हम फाइनली यार अपने जीजो क्लब जाते हैं और फाइनली हमारा मिशन ख़त्म हो जाता है। और अब लगता है हम दोबारा से यार गैरेज आ चुके हैं और देखते हैं भाई अगला कौन सा मिशन होने वाला है गैरेज से। क्योंकि गाइस आपको याद होगा यार कि हम भाई एक फोटोग्राफ वाला मिशन करने गए थे सीजर के साथ, जिसमें आपने देखा होगा यार कि एक पर्पल कोट वाला बंदा था तो उसके आगे से बहुत सारे मतलब बिजनेसेस करने का डील करने का। तो भाई हमने उसका मिशन किया। तो भाई अब मुझे लग रहा है ना गाइस कि अब उसी में से किसी ने एक और बंदे का मिशन करने वाले भाई हो सकता है यार, पता नहीं यार, पर देखते यार अगला कौन सा मिशन होगा। ओके गाइस ऑल राइट गाइस, यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लेना जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और गाइस शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं क्या इसमें एनहांस कर सकता हूँ।